दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शादा मलिक विजन लवर। तो ये सेकंड पार्ट है, एक पार्ट पहले दिखा चुके हैं, देवबंदी फीके जो भाई के ब्रीडिंग पेयर थे बहुत अच्छे थे। अभी सेकंड पार्ट है, तो गौरव भाई आज क्या शो करा रहे हैं आपको? आज छापदार और जालदार देवबंदी, जालदार और छापदार, जालदार और छापदार कल सिरे कबूतरों का शौक कराऊँ, कल सिरे कबूतरों का। तो आइए एक बार शौक कर लेते हैं। छोटे खाने बना रखे हैं, लॉफ्ट है पूरा ये। जी ये भी मैंने खुद ही सेल्फ मेड है, ये सब मैंने खुद ही बनाए हुए हैं। अच्छा, खुद से आप रेडी कर लेते हो? जी जी भाई, ये कर लेता हूँ उनको रेडी, सब मैंने खुद ही बनाए हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, जॉब भी करना, इनमें टाइम देना और फिर इनको अपने साथ तैयार करना अपनी पसंद से। देखो मेरी शौक है, पूरा पैशन है मुझे इस चीज का। बहुत बढ़िया, दिखाओ थोड़ा, रुक रुक रही है अच्छी चीज से। जी जी, मैं जो आपने मेहनत की है, लाइफ पूरी इसी में ला रखी है। जी जी, मैं अभी कराता हूँ। ये एक पेयर है, देखिए ये एक पेयर है, थोड़ा दिखाओ थोड़ा सा, बहुत शानदार। तो इस कबूतर की थोड़ी सी क्वालिटी बता देते हैं, फोकस आ रहा है क्या? देखो थोड़ा एक बार, हैं? सही है। आइस की क्वालिटी है, इस मेल की आइस की क्वालिटी आ रही है अच्छी, आंख बिल्कुल वाइट आइस का ये कबूतर है और जाल बना हुआ अंदर ऊपर छापदार है ये। तो ये कौन सा कबूतर है सर, क्या बोलते उसको? ये देवबंदी है, ये भी जालदार देवबंदी कबूतर है जी। तो आज जालदार का शौक होगा, इसकी फीमेल थोड़ा दिखा देंगे। बहुत शानदार और ये पूरी जालदार है, ये आप देख सकते हैं इसके जालदार मादा, छोटे छोटे इसके पर हैं, बहुत शानदार। ये जामुनी गले की मादी है और पंजे नाखून कितने लंबे लंबे, उसके नाखून है देखो, बहुत शानदार। जामुनी गला है, गले पे शेड देखिए आप, इसके जामुनी शेड है, बहुत शानदार। अच्छा थोड़ा सा आप ना एक बार दिखाकर यही छोड़ दे रहेना, मैं एक बार शूट करूँ अपने साथ, बताओ आप, क्योंकि थोड़ी सी इस वीडियो में मेहनत ज्यादा होगी लेकिन हम मेहनत से पीछे कभी नहीं हटते। जी जी, मैं और कोशिश करेंगे सभी भाइयों का शौक बराबर कराते रहे। ये जोड़ तो आपने देख ही लिया, नहीं जोड़ नीचे छोड़ना है सर, शौक तभी तो होगा, बस यही छोड़ते रहो और दिखाते रहो और नीचे छोड़ते रहो। गुड, बंद कर दो उसका ऊपर से लॉफ्ट गेट, बंद कर दो, ये देखिए बंद हो गया, अब दूसरी जोड़ निकालो, इसे ही छोड़ दो, बहुत ही शानदार। ये भी छापदार है, कल सर है, फीमेल है, बहुत शानदार। ये भी आपकी ब्रीडिंग पेयर है? जी ब्रीडिंग पेयर है। तो थोड़ा लॉफ्ट में सब ब्रीडिंग पेयर ही है मेरे पास, एक्स्ट्रा अदरवाइज जो होते हैं वो मैं अलग लॉफ्ट है मेरे पास, मैं उसमें रखता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये सब आपके ब्रीडिंग, इधर थोड़ा सा लुक जी। हाँ। ये सब ब्रीडिंग पेयर्स हैं मेरे। तो इसमें फीमेल का शौक कराइए आप? जी मैं फीमेल का शौक कराता हूँ। वाओ, ऐसी फीमेल तो देखने को नहीं मिलती, बहुत शानदार। कबूतर पे थोड़ा फोकस कर लें भाई। वाह गौरव भाई, रो खुश हो गए भाई, बहुत ही शानदार। आंखों में क्वालिटी नहीं समझ मारी अभी, थोड़ा सा हाथ रोक लीजिए आप, आ जाइए बाहर, आ जाइए, मैं इसको बाहर आपको धूप में शॉक कराता हूँ इसकी आंख का, वही बेटर रहेगा थोड़ा। बहुत शानदार, आंखों का शौक नहीं हो पा रहा एक्चुअली, समझ में बात नहीं आ रही। ये मादा बहुत अच्छी मादा है लेकिन कैमरे की सेटिंग ना होने की वजह से मैं इसमें शौक नहीं करा पा रहा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई। हाँ गुड, अभी देखिए भाई, वाह बिल्कुल वाइट आइस की मादा है, बड़ी बड़ी इसकी आँखें हैं और काली चोंच, एकदम काली चोंच। हाँ और थोड़ी इसमें जोड़े निकाल लीजिए बाहर ताकि शौक हो जाए, बहुत ही शानदार। ये सारे कल सरे कबूतर हैं, बहुत ही शानदार। तो सर थोड़ा सा वो जो मेल है इसका भी आपने जोड़ छोड़ी है, वो मेल और दिखाइए आप। जी जी मैं दिखाता हूँ, बहुत शानदार भाई।
ये देखिए जी भाई, वाह क्या आँखें हैं यार कबूतर की। थोड़ा सा पास से इसकी आँख दिखा दो, थोड़ा शानदार भाई, वाह बहुत ही शानदार, बिल्कुल वाइट आइज, डायमंड की तरह बिल्कुल वाइट, गुड। थोड़ा परों का साइज बताइए, हो गया हो गया, फोकस बहुत अच्छा है, बस परों का साइज देख लीजिए, भाई वाह बहुत बड़े बड़े इसके पर हैं, गुड। थोड़ा इसके बारे में बताइए सर, तो इस... ये इसके पल्ले देखिए कितने बड़े पल्ले हैं इसके, 10 कुंदे काले हैं इसके, 9 पर काले हैं वन साइड। अच्छा अच्छा जी, बहुत शानदार। दूसरी साइड देखिए इसके 10 पर 10 11 पर काले हैं, वाह 11 पर काले हैं इसके। पूंछ थोड़ा बताइए इसकी, पूंछ जी पूंछ बिल्कुल काली है, बहुत शानदार, ये देखिए बहुत ही शानदार भाई, वाह गजब। अब इसकी और दूसरी ब्रीड जो आपने दूसरी जोड़ी छोड़ी थी उसकी फीमेल दिखाओ जी। मैं इसी की फीमेल दिखाता हूँ आपको। अच्छा इसी की फीमेल जी, इसी की फीमेल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसका बच्चा भी दिखाऊंगा। अच्छा ये देखिए मैंने ये फीमेल इससे बहुत शानदार लगाई हुई है, थोड़ी सी नज़दीक इसकी आँख एक बार पकड़ के दिखा दो तो बेटर है। बहुत शानदार भाई, वाह क्या बात है भाई, मज़ा आ गया भाई, गुड। अच्छा एक बार पूरी पैर हाथ में पकड़ के दिखा सकते हो आप, देखिए इसके हाँ बड़े चौड़े चौड़े बड़े जाल बना हुआ है ऊपर में, बहुत शानदार जाल है, एक बार जोड़ पूरी हाथ में लग रहा है दोनों सेम है, मैच कर रहे हैं क्या? नहीं थोड़ा डिफरेंट है कलर, लेकिन अच्छा। ये अभी मैं आपको जब बच्चा दिखाऊंगा तब आप समझ जाएंगे इससे भाई मैंने क्यों ये अटैच किया हुआ है इससे। शानदार बहुत बढ़िया, गुड ब्रीड, बहुत शानदार। दिखाइए अब दूसरे, दिखाइए आप पैर। अच्छा ये इसी पैर का बच्चा है, ये इसी पैर का बच्चा है, वाओ क्या बनाया भाई यार। गौरव भाई ये कर कैसे पाते हो यार आप, मतलब जो सोच बनाते हो वही आपका ब्रीड लाइन बनती है, वही बच्चे निकलते हैं उसी तरह से जी। ये सब जोड़ लगाने का खेल होता है सब, नरमादी जिस तरह से आप कलर मैचिंग अटैच करेंगे उसी तरह से ये लगेगा, उसी तरह से ये बच्चे निकालेंगे। अब देखिए आप, मैं छोड़ के दिखाता हूँ, बहुत शानदार कलर, इसका कलर देखिए आप बहुत बढ़िया पे है इसका कलर, और इसकी बच्चे की जो है बैठक देखिए, खड़क देखिए इस बच्चे की, ठीक है। और जोड़ निकालिए थोड़ा सा, और अच्छी जोड़, हाँ लिखा लिया आप थोड़ा छापदार कबूतर लिखा लिया, अच्छे वाले जो आपके ब्रीड लाइन अपने। सबसे अच्छी बात है कि गौरव भाई ने सेटअप बड़ा अच्छा बनाया है, देखिए इनकी जो ये छोटे छोटे सेटअप हैं कबूतर बंद करने की जो पेटियां बनाई है ये भी बहुत शानदार हैं। लॉफ्ट हो तो यार थोड़ा सा हटके हो जैसा गौरव भाई ने हटके बनाया है, बहुत ही शानदार भाई, वाह गुड। सब निकाल दीजिए गौरव भाई बाहर, बहुत ही शानदार भाई क्या बात है। बहुत शानदार है, देखो बिल्कुल जालदार मकोए कबूतर, रामपुरी कबूतर है, रामपुरी नर है, मेल रामपुरी है, कल्सरे रामपुरी मकोए है, बहुत शानदार रामपुरी में से बनी हुई है। तो थोड़ा इनके बारे में बताइए भाई, और एक दो कबूतर अच्छे से उठा करके जी, जी जी मैं दिखाता हूँ आपको जी। ये देखिए ये जो कबूतर है, हाँ ये मुजफ्फरनगर की शान है ये कबूतर, ये कबूतर मुजफ्फरनगर की शान है, मतलब इसमें क्या क्वालिटी है इसके बारे में बताइए। छापदार कबूतर है, आप देखिए इसमें कितना छापा हुआ है, ये ऐसा लगता है जैसे कि गजरा कबूतर हो, हरा गजरा, हाँ लेकिन है ये छापदार, छापदार कबूतर, हाँ हाँ ये देखिए आप इसके पर देखिए, बहुत अच्छे पर, बहुत अच्छे विंग्स हैं, गुड ठीक है, और देखिए शानदार बहुत लाजवाब भाई, आप इसकी टेल देखिए, टेल बहुत क्लियर है यार कबूतरों की, एकदम जबरदस्त भाई, अच्छी ब्रीड लाइन की ये पहचान है, मतलब बहुत अच्छी, और इसके अब आइज देखिए, आंखों की क्वालिटी दिखा दीजिए कबूतर की, वही कबूतर भी खैर पुराना हो गया शायद ये जी, जी थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन आंखों की क्वालिटी देखिए आप इसकी, बहुत शानदार आइज इसकी भाई, वाह बहुत शानदार, बड़ी उमदा, मतलब इसकी नाक थोड़ी फूल गई है, आंखों के पलके बड़ी हो गई, क्योंकि पुराना कबूतर है ये जी, जी जी बहुत शानदार। और अब आप इसके पंजे देखिए भाई, वाह बिल्कुल जामनी हो गए इसके पंजे, बिल्कुल काले पंजे हो रहे हैं, काले पंजे हो गए इसके, बहुत अच्छे
बस जालदार कबूतर भी आपने नंबर एक के रखे हुए हैं, जैसे आपके पास पिछली वीडियो में दिखाया हमने। देखिए पुराना हो गया कबूतर, लेकिन अभी बैठक देखिए आप कबूतर की, बैठक भी बहुत शानदार है, बिल्कुल सीने पे कबूतर है एकदम सीधे खड़े हुए, अलग ही कबूतर का लुक, कबूतर का लुक अलग है, बाज के माफिक है। मैं अभी आपको इसकी फीमेल और दिखाता हूँ। हाँ हाँ दिखाइए, कबूतर से मैंने फीमेल लगाई, दिखाइए दिखाइए आप। ये देखिए भाई मैंने इससे ये देवबंदी जालदार कलसी लगाई हुई है, बहुत शानदार। अच्छा ये इसमें जालदार में देवबंदी है, ये देवबंदी जालदार है, ये देखिए देवबंदी कलर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप नीचे से आप समझ जाएंगे ये देवबंदी है, देवबंदी। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। आप इसका इसे पंजे, थोड़ा पंजे दिखा दीजिए जी, पंजे से आप इसकी देखिए, वाह देखिए इसका, बहुत शानदार गुड। अच्छा आइस की क्वालिटी थोड़ा बताइए, आई देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आइस की क्वालिटी, वाह नाइस यार, मज़ा आ गया भाई। गौरव भाई कबूतर हकीकत में आपने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, रूह खुश हो गई भाई, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर वे भी खुश हो जाएंगे देख करके, जितने भी व्यूअर्स हैं। ये सब मेहनत से होता है, मैंने बहुत मेहनत की है इनको इकट्ठा करने के लिए। अच्छा ये मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठा किए हैं, और इनकी ब्रीडिंग करा रहा हूँ और मैं इनका टेस्ट भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो इनका रिजल्ट कैसा आ रहा है भाई? रिजल्ट इनका बहुत अच्छा आ रहा है, बच्चे इनके 4-5 घंटे फिर रहे हैं। भाई वाह शानदार, 4-5 घंटे के भी हाल फिलहाल में उड़ान दे रहे हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, जो अपनी उड़ान है उनकी 4-5 घंटों की वो उड़ान कर रहे हैं अपने। भाई वाह बहुत बढ़िया जी, और थोड़ा दिखाओ कोई। अच्छा ये मकोई जोड़ है जालदार की, एक और थोड़ी सी जालदार मकोई जोड़ भी एक बार दिखाइए, जोड़ की जोड़ पकड़िए एक बार। हाँ देखिए भाई ये नर है, ये मादीन है और ये नर है, ये पेयर बना है पूरा आपके पास, ये पूरा पेयर है, ब्लैक आइज के, ये ब्लैक आइज नहीं है, ये भी गूगली आंखों में ही है। अच्छा अच्छा, बल्कि इनकी जो आंखें हैं वो आपको अंदर से कोका कोला कलर की दिखाई देगी, बहुत शानदार, इनमें वाइटनेस नहीं है, इनमें अंदर कोका कोलापन है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, अभी मैं आपको इनकी आंखों का भी शौक कराता हूँ। अच्छा ब्लैक आइज के तो और भी कबूतर मुझे दिख रहे हैं आपके पास, ब्लैक आइज वो भी ब्लैक आइज नहीं है, वो भी गूगली आंखों में है। अच्छा ये कबूतर जो उड़का है ये भी ब्लैक आइज में है, ये भी ब्लैक आइज नहीं है, ये भी गूगली आंखों में है, मैं एक्चुअली ब्लैक आइज का पसंद नहीं करता हूँ, मैं गूगली आंख का कबूतर ही पसंद करता हूँ। भाई वाह शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। तो बस फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा एक रामपुरी पेयर और दिखा दीजिए, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं यार रामपुरी का शौक करा दो, जो आपके पास तो रामपुरी बड़े अच्छे हैं। हाँ आप पहले मैं आपको फीमेल का ही शॉप कराता हूँ, ये रामपुरी फीमेल है जी, ये रामपुरी फीमेल है, देखिए आप रामपुरी जालदार कलसिर है भाई, वाह नाइस, इसकी थोड़ी आंखों की क्वालिटी दिखा दीजिए, आंख मैं अभी आपको आंखों की क्वालिटी, थोड़ी सी रेयर है इसकी थोड़ी आइस ना जी, बिल्कुल रेयर आंख है इसकी, मैं भी दिखाता हूँ आपको, दिखाइए लीजिए शॉप, क्या बात क्या बात, बहुत ही शानदार, बड़ी उम्दा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई, गुड। थोड़े इसके विंग्स वगैरह दिखाइए और पंजों का कलर दिखाइए, ये देखिए आप, वाओ नाइस, पूंछ तक पर है मतलब इसके जी, लंबे लंबे कुंदे होते हैं, लंबे लंबे कुंदे हैं इसके, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। गौरव भाई मज़ा आ गया, बहुत शानी है, चलो छोड़ दो नहीं फिर परेशान हो जाता है, बहुत सा कबूतर परेशान हो रही है, पुरानी कबूतर है, मैं इसको पकड़ता नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको अभी इसका मेल दिखाता हूँ, जो मैंने इससे मेल अटैच किया हुआ है जी, रामपुरी मेल, ये पाकिस्तानी कबूतर है। अच्छा ये पाकिस्तानी ब्रीड है, पाकिस्तानी ब्रीड लाइन से है, इसके माँ बाप पाकिस्तान से आए थे। अच्छा अच्छा, पाकिस्तानी हाई फ्लायर बहुत अच्छे होते हैं, एक फ्रेंड है उनके पास इसके माँ बाप आए थे, उसका उनका ये पट्टा है भाई, वाह ये देखिए आप, तो ये इसकी कलर मार्किंग देखिए आप, ये डायरेक्ट पाकिस्तान की ब्रीड है, मतलब डायरेक्ट पाकिस्तान से आई हुई ब्रीड है, वहाँ से पाकिस्तान से कबूतर आए थे, तो उन्हीं के बच्चे हैं ये, उन्हीं का पट्टा है ये देखिए आप, भाई वाह शानदार, बहुत ये मार्किंग देखिए आप, ये मार्किंग बहुत कम कबूतरों के आती है। अच्छा अच्छा गुड गुड, पंखों में ये देखिए आप निकले हुए हैं, हाँ हाँ फेदर्स, हाँ ये बहुत कम कबूतरों को मिलेंगे आपको, ये देखने को नहीं मिलेंगे, देखिए भाई वाह गुड,
और बहुत ही शानदार तेल देखिए, बहुत शानदार टेल है भाई, बहुत अच्छी पूंछ बनी है इसकी। थोड़ा पंजे का कलर एक बार और दिखा देते हैं, पंजे भी देखिए आप इसके, बहुत शानदार भाई। जामनी पंजे हो रहे हैं, काले हो गए पंजे तो। जी बिल्कुल काले पंजे, मुझे काले पंजों का ही शौक है भाई। बाप सुना है काले पंजों में पक्कापन ज़्यादा होता है। जी पक्कापन ज़्यादा होता है। नाइस भाई, छोड़ तो पकड़ लो बस अब, बस इतना। तो एक बार नज़दीक से थोड़ा दिखा दो सारे कबूतर, बहुत शानदार। ये सारे जालदार कल्चर हैं भाई के ऊपर। तो बस भाइयों यही मैसेज रहेगा आगे कि भाई का आज दिल खुश कर दिया हमारी, तो आ जाओ इधर ही आ जाओ भाई, गौरव भाई एक मैसेज देना चाहेंगे। तो भाई आज का जो आपने शो कराया, इतना अच्छा आपने ये सब सेटअप बनाया हुआ है, इतना खर्चा करते हो आप, ब्रेड लाइन भी एक नंबर की होती है आपके पास, तो क्या मैसेज देना चाहते हो आप जो न्यू कमर है मेरे, जो अभी नया शौक कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? जी भाई मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, पहले तो जो बच्चे हैं अभी पढ़ रहे हैं, पहले वो अपने कैरियर की ओर ध्यान दें, बहुत बढ़िया, वो इस शौक को जरूर करें लेकिन अपने कैरियर को अचीव करने के बाद, बहुत बहुत जब तक वो अपने कैरियर को अचीव ना करें तब तक वो इस शौक को थोड़ा कम रखें। हाँ है ना। और बाकी ये है कि अच्छी ब्रीड लाइन बनाएं, लोगों से यही कहना है कि अच्छी ब्रीड लाइन आप बनाएं, अच्छे कबूतर आप रखें, क्योंकि आप अच्छा दाना उनको चुका रहे हैं, तो आप अच्छी ही ब्रीड लाइन रखें, बहुत शानदार, ताकि आगे आने वाली नस्लों को भी अच्छी ब्रीड लाइन मिल सके, बहुत बढ़िया, ताकि आप उन्हें कुछ दे के चला सकें, कुछ कहें वो कि हाँ हमें कुछ, हमें पुरानों से अपने बड़े बूढ़ों से हमें कुछ अच्छी चीज़ मिली है। तो बस मेरी भी यही सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे गौरव भाई ने मैसेज दिया है इसको आगे फॉलो करें, और भाई अगर आपको कबूतर बड़े पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है, अभी सब्सक्राइबर ही बहुत कम है अपने चैनल पर, तो आगे शौक कराऊंगा अच्छे से, जब सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो अपने भी एक ज़रूर बनता है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, और बने रहिए मेरे साथ।